हाय गाइस, सभी को नमस्कार। कैसे आप सब लोग? बेटर है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे, जो टॉपिक हमारे सामने आता है, वारंट। तो अगर हम वारंट के बारे में चर्चा करते हैं तो हम लोग डर जाते हैं, और डरना हमारा लाजमी भी होता है। तो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द वारंट, हु इज इशू द वारंट, व्हाई इशू द वारंट। दे आर डिस्कशिंग लॉट्स ऑफ अबाउट द थिंग ऑफ वारंट। सो प्लीज आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। आज हम डिस्कस करते हैं वारंट, कि अगर वारंट आपके घर पर आए तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन सब बातों को आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। वारंट क्या है? सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। तो वारंट एक इंस्ट्रूमेंट है। इट मींस वारंट एक जो है एक स्टेटमेंट है, एक डॉक्यूमेंट्स है, जिस पर साइन होते हैं मजिस्ट्रेट के, और मजिस्ट्रेट ही वारंट को इशू करता है। क्यों इशू करता है? किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए वारंट इशू किया जाता है। ये बात आप याद रख लीजिए। वारंट का सीधा सीधा मतलब है, अगर वारंट आपके घर पर आया है तो डेफिनेटली किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए वारंट आपके पास आया है। तो वारंट के लिए जानना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वारंट कौन इशू करता है। वारंट इशू करता है मजिस्ट्रेट। तो ये आप बात ध्यान रखना, क्यों जारी करता है, क्यों? उस पर्सन ने कोई क्राइम किया होगा तो मजिस्ट्रेट उसे अपने समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है, उसे बुलाना चाहता है, इसलिए वारंट को इशू किया जाता है। अब ये चीज़ डिपेंड करेगी कि कौन सा वारंट जो अवेलेबल होता है, कौन सा वारंट जो नॉन अवेलेबल होता है। आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अवेलेबल वारंट और नॉन अवेलेबल वारंट। अवेलेबल वारंट वो वारंट होता है जिसमें पर्सन को अरेस्ट करने के लिए वारंट इशू किया जाता है, परंतु अगर उसका ऑफेंस इस हिसाब का नहीं है कि अगर उसने कोई गंभीर प्रकृति का अपराध किया है, तो उस केस में उसे अवेलेबल वारंट इशू नहीं होता। उस केस में नॉन अवेलेबल वारंट इशू होता है। पर अगर उसने कोई कम गंभीर प्रकृति का अपराध किया है तो उस केस में उसे अवेलेबल वारंट इशू होता है। तो उस पर्सन को गिरफ्तार करके बेल बॉन्ड भरवा कर उस पर्सन को, उस एक्सक्यूज को रिहा कर दिया जाता है अवेलेबल वारंट के अंदर। बट अगर बात करें हम नॉन अवेलेबल वारंट की, तो नॉन अवेलेबल वारंट ऐसा वारंट होता है जिसमें जो है पर्सन को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के समक्ष लाना ही पड़ता है, क्योंकि उस पर्सन ने बहुत गंभीर प्रकृति का अपराध करता है। तो अवेलेबल वारंट वो होता है जिसके अंदर आपको बेल मिल जाती है। नॉन अवेलेबल वारंट वो होता है जिसमें आपको बेल नहीं मिलती। आइए डिस्कस करते हैं कि अगर वारंट आपके घर पर आए तो आपको किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू वारंट। नेक्स्ट, अब वारंट जब भी आपका घर पे आएगा तो वारंट जो है लिखित के अंदर आता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी पुलिस अधिकारी वर्बली आपको अरेस्ट करके नहीं लेकर जा सकता। अगर वो वर्बली आपको अरेस्ट करके लेकर जा रहा है तो आप उससे पूछिए कि भाई वारंट कहाँ है, और वारंट हमेशा लिखित के अंदर होगा। वारंट पुलिस अधिकारी को दिखाना ज़रूरी हो जाता है कई बार। अब सिग्नेचर, उसके ऊपर सिग्नेचर होंगे। सिग्नेचर किस पर्सन के होंगे? मानो अगर जो वारंट आपके खिलाफ जो इशू है उस पर वो आपके सिग्नेचर कराएगा, और साथ ही साथ जो है उस पर जो मजिस्ट्रेट अधिकारी होगा उसके सिग्नेचर उसके ऊपर मौजूद होंगे। ये बात आप ध्यान रखना। थर्ड इसके अंदर आता है सील ऑफ द कोर्ट। सील ऑफ द कोर्ट से हम मतलब है कि जो कोर्ट की स्टैम्प जो है उसके ऊपर लगी होनी चाहिए वारंट के ऊपर। जो भी पुलिस अधिकारी आपको वारंट लेकर आए तो आप सबसे पहले उस पर चेक करें कि उस पर कोर्ट की मोहर लगी है या नहीं लगी है। अगर कोर्ट की मोहर नहीं लगी है तो वो इनवैलिड वारंट कहलाएगा। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फुल डिटेल ऑफ ए पर्सन, या फुल डिटेल ऑफ पर्सन से मतलब है जिस पर्सन के खिलाफ वारंट इशू किया उसकी उसमें डिटेल मेंशन होनी चाहिए। अगर उस पर्सन का नाम ही नहीं है तो फिर वो आपको अरेस्ट करके नहीं लेकर जा सकते। पांचवा, नेचर ऑफ क्राइम होता है। नेचर ऑफ क्राइम या ऑफेंस से यहाँ मतलब हो जाता है कि आपने जो अपराध किया है उस वारंट के अंदर, जो वारंट इशू किया है उसके अंदर उसका उल्लेख किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। सिक्स नंबर पर आता है नेम ऑफ द इशूइंग ऑफिसर, कि जो वारंट इशू किया वो किस ऑफिसर ने इशू किया हुआ है, ये उसका नाम उसके अंदर मेंशन होता है। सातवां जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है स्टेटमेंट ऑफ द एसेंस ऑफ द अरेस्ट। मतलब स्टेटमेंट बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है पुलिस अधिकारी को। अगर मानो कोई वारंट आपके घर पर आता है तो वो पुलिस अधिकारी का ये ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वो आपको उस वारंट के बारे में बताए कि आपने ये ऑफेंस किया है, इस वजह से हम आपको अरेस्ट कर लेकर जा रहे हैं। पुलिस अधिकारी की ड्यूटी होती है। आठवां और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आपको अरेस्ट करके थाने में लेकर जाया जाता है तो
24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है उसे 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होता है मजिस्ट्रेट के समय। अगर 24 घंटे से ज़्यादा समय तक कुछ रीजनेबल कॉज दिए हैं, बट अगर 24 घंटे से ज़्यादा समय लगता है तो आप पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। तो जब भी वारंट आए सबसे आप पहले आप उस पर यह चेक करें वो रिटर्न में हो, उस पर सिग्नेचर होने चाहिए अधिकारी के, पीठासीन अधिकारी के, कोर्ट की मोहर बहुत ज़रूरी हो जाती है उसके अंदर। और आपको जो पुलिस अधिकारी अरेस्ट करने है वो आपको कारण बताएगा और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा। तो ये सारी बातें आपको वारंट से संबंधित ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, कि किन केसों में पुलिस आपको डायरेक्ट अरेस्ट कर सकते हैं और किन केसों में वारंट की सहायता से ही आपको अरेस्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। कोई भी आपको क्वेरी हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपको लगता हो कि भाई हमें इस विषय पर की जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।